सो फ्रेंड्स, अगर आपका ईयरफोन हो चुका है खराब और वो है अंडर वारंटी, तो आपको मिल सकता है एक ब्रांड न्यू ईयरफोन फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो को आखिरी तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपका ईयरफोन है खराब, लाइक मेरे पास है JBL का C100SI जो मेरा खराब हो चुका है, इसके राइट ईयरफोन से बिल्कुल भी बहुत लो वॉल्यूम आ रहा है, मतलब ये ईयरफोन हो चुका है खराब। बट ये जो ईयरफोन है ये है अंडर वारंटी। अगर आपका भी ईयरफोन अगर अंडर वारंटी है तो हो सकता है आपको एक न्यू ब्रांड न्यू ईयरफोन मिल जाए। उसके लिए थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन हैं। पहली जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आपका जो ईयरफोन है वो फिजिकली डैमेज नहीं होना चाहिए, आपका जो ईयरफोन है वो अंडर वारंटी होना चाहिए। कस्टमर केयर में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल करना पड़ेगा, उसके बाद वो पूरा प्रोसीजर आपको समझाएंगे। प्रोसीजर अगर सेम है तो आप सेम टू सेम कर सकते हैं, लाइक सेनहाइयर्स या फिर JBL है, ये सब कंपनीज के सेम होते हैं। लाइक मैंने सेनहाइयर्स का भेजा और मेरे पास ब्रांड न्यू सेनहाइयर्स का CX180 और 213 है। अब मेरा जो ये C100SI ये भी हो चुका है खराब, सो इसके लिए भी मैं क्लेम करने वाला हूँ। ये कैसे करते हैं आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट करना है आपके कंपनी को, और अगर वो ये प्रोसेस बताते हैं कि आपको कूरियर करना है तो सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले ईमेल में उन लोग एक मतलब एड्रेस देंगे, मुंबई के, दिल्ली, बैंगलोर, बहुत सारे जगह के, बट आपको आपका मीन्स जब जो सबसे पास पड़ता है वहाँ पे आप भेज सकते हैं। मेरे को मुंबई पड़ रहा है इसलिए कुछ इस तरह का आपको बनाना होगा। इसमें मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि इसमें है क्या। सो फ्रेंड्स, इसमें एक ऐसे पेपर में आपको लिखना पड़ेगा जो ईमेल आएगा, जैसे कि सबसे पहले जो पूरा एक पैराग्राफ उन लोग भेजते हैं उसको आपको लिखना है, जिसमें उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल सब चीज़ रहेगा, उसको लिखना है। उसको आपको नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है एंड ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है बट अगर आप लिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। टू और फ्रॉम बिल्कुल ध्यान से भरना, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये लिखना होगा आपको कोई भी नॉर्मल पेपर पे। नेक्स्ट, आपको अगर आपका लाइक मेरे पास JBL का ये बॉक्स है जिसमें ईयरफोन आया था, अगर है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो मतलब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको इसके अंदर डालता हूँ, इसके अंदर कुछ नहीं है, अब मैं इसको इसके अंदर डालूंगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे मेरे JBL C100SI को पैक्ड कर दिया हूँ। सील वील आपको नहीं लगानी, नॉर्मल आपको इसके अंदर बॉक्स के अंदर डालना है अगर आपके पास बॉक्स है तो। सो ये काम पूरा हो गया। नेक्स्ट थिंग आपको चाहिए ये चिट्ठी, मीन्स बिल। अगर आपको अपना ईयरफोन को क्लेम करना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली ये इनवॉइस है, ठीक है। ये इनवॉइस है अगर आप अमेजोन से मंगाए हो, सो नॉर्मली आपको ऑर्डर्स में जाना है और सर्च करना है ये आप ईयरफोन कब मंगाए, उसमें इनवॉइस का ऑप्शन रहता है, प्रिंट करवा सकते हैं अगर आपके पास बिल नहीं है तो, बट बिल ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, बिल, बॉक्स और ये चीज़ है। सो आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ भी चाहिए, पेपर मीन्स एक ऐसा टाइप का, लाइक मैंने ये मेरे पास के स्टेशनरी शॉप से लिया है, ये करीबन 10 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। ये एक कवर है, जिस मीन्स नॉट कवर, ये एक एनवलप टाइप का है जिसके अंदर आपको ईयरफोन्स रखने हैं। तो सबसे पहले आपको इसको खोलना होगा एंड ये जो है ईयरफोन इसको आपको डालना है अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने डाल दिया है अंदर। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये, इसको आपको डायरेक्टली अंदर गिरा देना है, मीन जो बिल है वो इसके अंदर है। अब ये जो दो चीज़ बस अंदर रहेगी, बाकी कुछ नहीं रहेगा। अब इसको आपको बंद करना है एंड ये जो मैंने जो बताया था आपको, इसको आपको इसके ऊपर ऐसे करके आपको चिपकाना है। मैं आपको चिपका के पूरा दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का आपको चिपकाना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपका ईयरफोन और बिल होगा। अब आपको करना ये है कि आपको इसको कर देना है कुरियर सीधा, नॉर्मल आप इंडियन पोस्ट, DHL, जहाँ जैसे भी कुरियर करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। उसके बाद ये पहुँचेगा, उसके बाद एक कॉल आएगा आपके फ़ोन में, जो नंबर आपने दिया है उस पर कॉल आएगा एंड उस कॉल पे आपको बताना है कि ये मेरा ईयरफोन है, ऐसा ऐसा है। तो फिर वो बोलेंगे ठीक है, हम लोग न्यू भेज रहे हैं आपको, करीबन 10 से 15 दिन लग जाएंगे आपके घर तक आते आते। अब हो सकता है वो ज़्यादा भी हो सकता है, हो सकता है कम भी। सो कुछ ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं आपको बताया कि कैसे आपको करना है क्लेम वारंटी, और जब आप कुरियर करेंगे तो ये रिसिप्ट मिलेगी छोटी सी,
मैंने इंडियन पोस्ट से किया है। सो फ्रेंड्स होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आपको अपने ईयरफोन का वारंटी क्लेम कैसे करना है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करना। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या क्वेश्चन क्वेरीज हैं इस पूरे वीडियो से रिलेटेड, या मेरे को क्या वीडियोस बनाने चाहिए वो सब के बारे में। मैं मिलता हूँ अगली किसी वीडियो में आपसे, तब तक लिए बाय बाय। और हाँ, लाइक करना मत भूलना। सो बाय।